क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आप सब तैयार हैं? आइए खुदावंत के जरिए पवित्र मुकद्दस को पढ़ते हैं। दूसरा करिन्थियों तीसरा बाब उसकी छठी है। इलामेदस में मरहूम है। सेकंड करिन्थियन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6। छठी आयत में ये मरहूम है। दूसरा करिन्थियों तीसरा बाब उसकी छठी आयत, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। Who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letters, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? खुदावंत की जमायत में उसके नारे लगते हैं, हालेलुया। जिसकी जो पार्टी होती है उसी के नारे मारती है। हम भी तो किसी की पार्टी के हैं, तो पार्टी के जो जियाले होते हैं, पार्टी के जो कारकुन होते हैं, पार्टी के जो मेंबर होते हैं, वो अपनी जाने देने के लिए तैयार होते हैं, वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। आप फिजिकली देखें, जिस्मानी तौर पर कैसे वो अपने लीडर के इर्द गिर्द फैल जाते हैं, कैसे वो अपने जो उनका सरबरा होता है उसके चारों तरफ दीवार बन जाते हैं, नारे लगाते हैं, उसका नाम लेते हैं, घंटों घंटे उसकी तकरीरें सुनते हैं और बड़े फखर से इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम फला पार्टी के हैं। क्या हमें भी फख्र होना चाहिए? हम भी किसी पार्टी के हैं, और वो पार्टी जिस्मानी नहीं, जमीनी नहीं, वो हेवनली है। और उस पार्टी का सिपहसालार, उस पार्टी का जनरल खुदावन यीशु मसीह है। उसकी जमात, उसके लोग, उसके बाइबल पढ़ के देखें, हिस्ट्री पढ़ के देखें। नबी कहते हैं कि जब यीशु मसीह मुनादी करते थे तो उसके चेले, उसके शागिर्द, उसके डिसाइपल जो थे, जब रश लग जाता था तो उसके शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को चारों तरफ से घेर लेते थे, वो यीशु मसीह को चारों तरफ से हाथों में हाथ डाल लेते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और चारों तरफ से यीशु मसीह को घेर लेते थे, ताकि कोई शख्स यीशु मसीह पर गिरे ना। अब यीशु मसीह के पास सब शिफा लेने नहीं आते थे, यीशु मसीह के पास सब कलाम सुनने नहीं आते थे, यीशु मसीह को मारने भी आते थे लोग, यीशु मसीह की नुक्ता चीनी करने भी आते थे, यीशु मसीह में से नुक्स ढूंढने भी आते थे, यीशु मसीह की बुराइयां ढूंढने भी आते थे, यीशु मसीह पर हमला भी करने आते थे। वो शकील चारों तरफ जो है दीवार बना लेते थे, ताकि अगर कोई हमला करे तो पहले हम पर करे। क्या बात करते हैं आप? हमारे पास नारे लगाने के लिए मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, यीशु के लिए तालियां बजाने के लिए वो मरने के लिए तैयार है। किसके लोगों को, किसकी कलीसियाओं को? अगर यीशु के लोगों,
लिए मुंह खुलना चाहिए, वरना तुम उनसे भी बदतर हो जो ये दुनियावी पार्टियों में है। शर्म आती है, डूब के मर जाओ। जब गालियां देते हो शर्म नहीं आती, जब बीवी से लड़ते हो शर्म नहीं आती, जब शोर से लड़ते हो शर्म नहीं आती, जब ऊंची ऊंची गली मोहल्ले में खड़े होकर पड़ोसियों से लड़ते हो तब शर्म नहीं आती, सिर्फ नारों पर शर्म आती है। क्या बात करते हैं आप लोग, जहां शर्म करनी चाहिए ना वहां शर्म करनी चाहिए। क्या बोलना जरूरी होता है? अंदर कुछ भी नहीं है क्या? हम इस लायक नहीं है? या बाइबल लिखा उसने हमें इस लायक किया है? पढ़ ले दोबारा, सारी स्टोरियां मैंने नहीं बतानी होती, खुद भी बाइबल पढ़ा करो। क्या लिखा है? उसने हमें नए ऐद नामे के खादम होने के लिए लायक किया, लायक बनाया है। मुझे बताओ, अब कोई माँ बाप चाहता है उसकी औलाद नालायक हो? कोई माँ बाप चाहता है? और माइक तो ठीक करो भाई, कोई माँ बाप चाहता है उसकी औलाद नालायक हो? कोई भी नहीं चाहता। आज पता नहीं वो बहन आई या नहीं आई, आपने एक बहन को देखा यहाँ पे खड़ी होकर इबादत कर? अजी यहाँ बैठी हुई है बहन। कितने हफ्ते मैंने देखा बहन खड़ी होकर दुआ कर रही, पूरी इबादत खड़ी होकर कर रही है। तो मैंने पूछ लिया, बहन जी आप क्यों खड़ी होती हैं? उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा इस लायक बन जाए कि वो भी खुद चर्च जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता उसकी औलाद नालायक हो। हर माँ बाप चाहता है उसकी औलाद जो है वो लायक हो। मैं सोच रहा था, अजीब है ये माएं भी, भाइयों पे मर्दों पे मुझे थोड़ा शर्म आती है, अफसोस भी होता है कि ये मर्द खुदा से बहुत दूर है। मर्द हजरात ज्यादातर, सब मैं कभी नहीं कहता, सुन लेना, हैरानगी होती है मुझे माओ के लिए। और मैंने ज्यादातर औरतें देखी हैं, मर्द कम देखे हैं। पहले इनके औलाद जब नहीं होती तो ये औलाद के लिए मेहनत करती हैं, ये खुदा से दुआएं करती हैं, ये चर्चिस में जाती हैं, ये कलाम सुनती हैं, ये खादिमों से दुआ करवाती हैं, खुदावंद मुझे औलाद दे, खुदावंद मुझे बेटा दे, खुदावंद मुझे बेटी दे। और उसके बाद फिर भी ये मन्नते मानती हैं, ये चढ़ावे चढ़ाती हैं। और कई दुनियादार खवातीन वो जादूगरों के पास चली जाती हैं, ऐसे लोगों के पास भी चली जाती हैं जो इस लायक नहीं होते, नालायक होते हैं। किसके लिए? औलाद के लिए। ऐसे लोगों के पास भी चली जाती है। कई किस्से कहानियां आपने सुनी है, वह गंदे बंदे पापे छापे शैतान के बच्चे जो ज्यादती करते हैं औरतों के साथ, उनके पास भी चली जाती है। मगर जो थोड़ी बहुत समझ रखती हैं, लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग जिनकी होती है, वो खुदा के जोर मन्नत मांगती हैं, वो खुदा के जोर झुकती हैं, वो खुदा के जोर दुआ करती हैं, वो खादमों से दुआ करवाती हैं, और बाज़ औक़ात मन्नतें मांगते नंगे पांव चर्चिस जाती हैं। कई बहनें
आपको पता है पंजाब जाती हैं मरियमबाग, मन्नते मांगती है कि हमें औलाद मिल जाए, नंगे पांव खड़े होकर दुआएं करती हैं, घंटों घंटे खड़ी रहती हैं, घंटों घंटे। और वहां तो मैंने देखा है लोग कोनियों के बल चल कर जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, हजारों लाखों रुपए की मन्नते मान लेते हैं। और जब वो औलाद मिल जाती है तो माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरी औलाद लायक हो, माँ उसको पालती है पोसती है, बाप भी मेहनत मुशक्कत करता है, दोनों मिलकर पालते हैं। और जब वो जवान होती है औलाद, जब वो बच्चे बड़े होते हैं और वो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, वो माँ बाप की ताबेदारी नहीं करते हैं, नालायक औलाद निकल आती है, तो फिर वही माँ बाप चर्चिस में फिर खड़े होते हैं, फिर मन्नते मानते हैं, फिर दुआएं करते हैं कि खुदावन मेरी औलाद को लायक बना दे। जब नहीं होती फिर भी माँ बाप ही कुर्बानी देते हैं, जब हो जाती है जवान हो जाती है फिर भी माँ बाप ही कुर्बानी देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप को औलाद से मोहब्बत है, जेन्युइन लव। तो माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद कैसी हो, लायक हो। जब आपके बच्चे नालायक हरकतें करते हैं तो माँ बाप को तकलीफ होती है, माँ बाप को गुस्सा आता है, ओ बच्चों ये नहीं करो, बच्चे पता क्या कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इससे क्या होता है, ये वो है, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, ये वो सब कुछ। मगर माँ बाप को परेशानी होती है, माँ बाप नहीं चाहता कि नालायक हरकतें करो। अब मुझे बताए, जब आप जिस्मानी होकर, जब आप दुनियादार होकर, जब तुम इंसान होकर अपनी औलाद लायक औलाद चाहते हो तो आसमानी बाप कैसी औलाद चाहता है? मुझे बताएं, कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका बच्चा डिसेबल हो, लंगड़ा लूला हो, मासूर हो, चाहता है कोई? कोई जिस्मानी माँ बाप भी नहीं चाहता कि उसकी औलाद डिसेबल हो, वो चाहते हैं हमारी औलाद एबल हो, काबिल हो, लायक हो, बेस्ट हो। अगर आपकी ये सोच है, इतनी अच्छी सोच है, तो आसमानी बाप कैसी औलाद चाहता है? मुझे बताएं, आपके घर में गूंगा बच्चा पैदा हो जाए कैसा लगेगा? हेलो, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बताओ, यीशु मसीह भी चाहता है उसके चर्च में कोई भी गूंगा नहीं होना चाहिए, सबके मुंह में अल्फाज होने चाहिए, सबके मुंह में हालेलुया होना चाहिए, सबके मुंह में आमीन होना चाहिए, सबके मुंह में प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए। ये लूले लंगड़े लोग नहीं चाहिए, लूला लंगड़ा तो जानवर काबले कबूल नहीं है, कुर्बानी नहीं होती उसकी। अभी सीजन चल रहा है ना, पता है कितने के आते हैं बकरे और ये बैल ऊंट, लाखों रुपए के हर साल, लाखों रुपए का आपको बकरा या 10 लाख का ऊंट देना पड़े तो कैसा लगे? दे सकते हम? और हमारे लोगों ने पता क्या करना है, पता क्या करना है, ना कहे यार छोड़ो जो कुछ भी हो, पड़ोसियों ने दिया ना हमने भी देना है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, सूद पर उठाओ, कर्जे उठाओ। खुदा को पता था। और जब ये कुर्बानी लेने जाते हैं ना, तो क्या देखते हैं? उसको चेक करते हैं। सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। अच्छा, जब जाते हैं खरीदने के लिए तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं,
उसके दांत चेक करते हैं, उसकी टांगे चेक करते हैं, उसकी उंगलियां चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो एबल भी है या नहीं, वो लायक भी है या नहीं। और जब देखते हैं वो इस लायक है, कुर्बानी के लायक है, फिर उसे खरीद कर लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। और लूले लंगड़े डिसएबल तो जानवर भी कबूल नहीं। पढ़ के देखो बाइबल, मेरे हुजूर को लंगड़ा लूला जानवर मत ले कराना। बेस्ट एबल लोग चाहिए, लाइक लोग चाहिए, और वो इस लाइक होता फिर उसको लाकर कुर्बान करते हैं। मुझे बताएं, हम इंसान होते हुए जानवर भी अच्छे चाहते हैं, काबल चाहते हैं, औलाद काबल चाहते हैं, लायक चाहते हैं कि हमारी औलाद लायक होनी चाहिए। तो मुझे बताए, यीशु मसीह भी चाहता है कि उसकी औलाद, उसके बेटे और बेटियां भी लायक होने चाहिए। उसको लूला लंगड़ा चर्च नहीं चाहिए। बीवी पे मुंह खुलता हो चर्च में, हाल लिया के मुंह बंद हो, बदलू है तेरे अंदर। गालियां देने के लिए मुंह कैसे खुलता है? बदरू है ना, उधर तो खोलेगी गलत काम के लिए। ये बेटी बेटियां गानों के लिए इनका मुंह बहुत खुलता है, गीतों के लिए मुंह बंद होता है। बदरू है तुम्हारे अंदर। मैं साबित कर सकता हूं, ऐसे नहीं मैं कह रहा। बुराई के लिए जिनकी आवाज बुलंद होती हो, जिनका मुंह बुराई के लिए खुलता हो, लड़ाई झगड़े के लिए खुलता हो, और गालियां देने के लिए खुलता हो, कानों के लिए खुलता हो, बद्दुआएं देने के लिए खुलता हो, नारों के लिए नाक खुलता हो, दुआ के लिए नाक खुलता हो, आमीन के लिए नाक खुलता हो, तो बदरूई तो है। ये यस भी ऐसे नहीं होता है। हालेलुया। कईयों का यस शैतान ने बंद किया हुआ है। इधर उधर यस करते रहना, चर्च में यस ना करना। असल यस तो यहां करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। नबी कहता है जिसके अंदर पाखरू होता है वो जोर देकर, कैसे? जोर से। कैसे? मरे हालेलुया। शर्म आ रही है? आमीन। अरे भाई आप वो, मैं एक दिन बच्चे को कह रहा था, यार आप दुआ क्यों नहीं करते, मुझे आवाज नहीं आ रही। कह रहा हम दिल में ही कर लेते हैं। मैं कह मैनू नहीं आई, शैतान नु कितों आनी है की दुआ की है। मैं कह तो शैतान को पता चलना चाहिए। बाइबल पढ़ के देखें, पाबंदी लग गई, पाबंदी लग गई गवर्नमेंट की तरफ से। कहा गया कोई भी 3 दिन के लिए अपने अपने देवता से, अपने अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। जो भी दुआ करेगा वो नबूकदनज़र से करेगा। सामने बुए बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। दानियल ने कहा हालेलुया, आज आप सबके मुंह बंद होंगे। कोई तो यीशु की दुल्हन है जो इस कलाम पर अपना मुंह खोलेगी। टेंशन नहीं लो, खुदा ने अपने लिए अपनी दुल्हन को रखा हुआ है। डेनियल ने क्या किया? पहले वो खिड़की बंद करके दुआ करता होगा, पहले वो दरवाजा बंद करके दुआ करता होगा, पहले वो मस्जिद में दुआ करता था। मगर जिस दिन पाबंदी लग गई उस दिन उसने कहा खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो। हालेलुया। खिड़की खोलकर, दरवाजा खोलकर दुआ की। क्यों? क्योंकि शैतान को पता चल जाए। मैं कहता हूं जब आप चर्च में आते हो ना, तो आपके अंदर के शैतान को पता चल जाना चाहिए कि ये चर्च में मुझे लिफ्ट नहीं कराते, ये चर्च में मुझे मुंह नहीं लगाते, ये चर्च में उसी के नारे मारते हैं। हालेलुया।
उसको पता लग जाना चाहिए कि आप लायक औलाद हैं, आप एबल एबल, आप वर्दी है वर्दी, आप वो नहीं है जिनके मुंह उसने बंद किए हुए हैं। डांडे लगा शैतान को पता लगना चाहिए कि कोई तो है जिसको उसने इस लायक बनाया है। जब सबके मुंह बंद होंगे, जब सबकी खिड़कियां बंद होंगी, जब सबके दरवाजे बंद होंगे, किसी एक का मुंह तो खुलेगा। हालेलुया। तो किसने हमें इस लायक किया है? वो एक सियासी पार्टी का नारा था, भूखे लड़ोगे मरोगे। हाँ पता है लोग क्या कहते थे? यस सर, लड़ेंगे। यीशु मसीह भूखे नहीं लड़ाता है, वो बियाबान के अंदर भी रोटी का बंदोबस्त करता है। उसने कहा तीसरे दिन ये मेरे पीछे चल रहे हैं, देयर इज 72 आवर्स दे आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर हेल्पिंग मी, दे आर गेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो कलाम सुन रहे हैं। 72 घंटे हो गए हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उसने उनके खाने का भी बंदोबस्त, तो टेंशन नहीं लो। हालेलुया। तो उसने हमें कैसे, उसे कैसे बच्चे चाहिए? लायक ना लायक औलाद नहीं चाहिए उसको, ना लायक चर्च नहीं चाहिए उसको, ना लायक बेटियां नहीं चाहिए उसको, ना लायक बेटे नहीं चाहिए उसको, ना लायक खादम नहीं चाहिए। उस बाइबल पढ़े, उसने कहा है कि उसने हमें लायक खादम होने के लायक खादम बनाया है। हालेलुया। मोसेस, यसर, गो टू द इजिप्ट, क्या करना है? जा उनको छुड़ा, जा। खुदावंद मैं नहीं जाऊंगा, खुदावंद मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं इस लायक नहीं हूं। अच्छा, अब तुम खुदा को बताओगे कि तुम लायक नहीं हो, नालायक हो? अब तुम खुदा को बताओगे मैं ये नहीं कर सकता? अब तुम खुदा को बताओगे मुझसे नारे नहीं लगते हैं? हाँ, सब उसको पता है बाहर कौन से नारे लगाते हो। तुम बताओगे, चलना भाई गीत, अरे मुझसे नहीं गा, उसको पता है तुम बाहर गाने कैसे गाते हो, क्या बात करते हैं आप लोग। खुदावंद मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। जाना, मिस्रियों का रोना मैंने सुना है, मिस्रियों का चिल्लाना मैंने, सॉरी इसराइल का चिल्लाना मैंने सुना है। मिस्र के अंदर वो चिल्ला रहे हैं, वो आप मुझे पुकार रहे हैं, मैंने उनकी पुकार सुनी। जा, खुदा कहते जा, वो कहते मैं इस लायक। मुझे बताएं, खुदा को ज्यादा पता है या आपको ज्यादा पता है? खुदा को ज्यादा पता मूसा के बारे में या मूसा को पता अपने बारे में? खुदा को ज्यादा पता है। अब खुदा को ऐसा कहना मैं इस लायक नहीं हूं, खुदावंद का कलाम कहता है अपना दसवां हिस्सा दो, खुदावंद तेरे तुझे पता है ना मैं इस लायक नहीं, मेरे हालात किसको बता रहा है, किसको बता रहा है? हाँ, किसको बता रहे हो? उसको नहीं पता है। क्या करें, लॉकडाउन की वजह से खुदावंद कारोबार नहीं चल रहा है, क्या करें? कारोबार बंद हो गए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, खुदावंद बिजनेस नहीं चल रहा है, ये वो है, तुझे तो सब पता है। आई एम नॉट एबल टू पे द टाइथ इन द चर्च। उसको पता है, उसको पता है। हालेलुया। कोई उसको एक्सप्लेन कर सकता है? उसको पता है। अभी किसी का तो सब पहुंच जाएंगे, हजार हजार का नोट भी देकर आएंगे। उसको पता है किसी की मंगनी मंगनी में पहुंच जाएंगे। उसको पता है पंजाब में कोई फौजी हो गई, यहां से 10,000 कर्जा उठाकर भागेंगे। क्या तुम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओ भाई, अगर वो कहता है ना किसी को, तो उसको पता है कि आप इस लायक हो या नहीं हो। अब खुदा को कहना मुझे बताएं, वो बेवा जिसने सब कुछ दिया, खुदा को उसका पता था ना?
वो बेवा जिसने एलिया को खाना खिलाया, खुदा को पता था ना? खुदा को पता है कि आप ये कर सकते हैं। यू आर द एबल पीपल, यू आर द एबल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप खुदा के लायक बच्चे हो, उसको पता। मोसेस, गो बैक टू द इजिप्ट। ओ आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ना क्यों? खुदावंद तुझे पता है मैं सही बोल नहीं सकता। आई एम नॉट अफ्लुएंट इन स्पीकिंग, आई कैन स्पीकिंग फ्लुएंटली। मैं ठीक बोल नहीं सकता हूं। अच्छा, किसको बता रहा है? किसको बता रहा है कि मैं इस लाइक में? आपको पता है जब आप ऐसा करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो खुदा की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं, तेरी मजबूरी हो सकती है, तेरी प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ ठीक है, तू ठीक कह रहे है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि पहले तू पैदा हुआ था, उसके बाद मैं दुनिया में आया था, इसलिए तुझे ज्यादा पता है। कई बार बच्चे माँ बाप को समझा रहे होते हैं, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा हम नहीं कर सकते। कई बार कलीसिया पादरी को समझा रही होती है, आपको नहीं पता है, हमें ज्यादा पता है, तहय्या की गरीबों को देनी चाहिए, तहय्या की बेवाओं को देनी चाहिए। तुम्हें ज्यादा पता है या खुदा को ज्यादा पता है? क्या बात करते हैं आप लोग? पहले कौन आया? मूसा खुदा। पहले कौन आया? आपका माँ बाप या आप? पहले कौन आया? खादम, फिर कलीसिया। तो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब खुदा को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जब हम ऐसा करते हैं, इट इज द, पता आपको क्या होता है? ये उज़र, बहाने। खुदावन मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे चर्च आना चाहता हूँ, मैं तेरे कमांडमेंट्स को मानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, लेकिन देख मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दे। क्या इजाजत दे दे? अच्छा कहीं ऐसे मैं चर्च आऊंगा, पर तुझ मानूंगा, लेकिन थोड़ी सी इजाजत, पर मेकअप कर लिया करो, पर थोड़ी सी इजाजत दे दे, को काला कोला, वाइट कोला, वाइट तो लगाते ही नहीं ना, अच्छा वाइट भी लगाते हैं, लो काले वाइट लगा रहे, वाइट वाले काला लगा रहे हैं। खुदावन थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी इजाजत दे दे, मैं बपतिस्मा भी ले लूंगा, मैं तौबा भी कर लूंगा। अच्छा कई भाग के लोग, कई लोग आज तक कहते यार हमें आपके चर्च की समझ नहीं लगती, वो ये समझ आपके लिए है नहीं, आपको कहां से लगेगी? जिनको लगती है ये बैठे हुए, जिनको लगती है, जिनको समझ लगती है, यहाँ भाई बैठे हुए हैं। वो एक पादरी ने इतना कहा मेरे चर्च आएगा, तुम ज्या कलू नहीं से इधर जाते हो, वो यार आ जाओ किसी दिन तो आ जाओ। उसने कहा यार मुझे किसी की समझ नहीं लगती, मुझे अपने चर्च की समझ लगती है। समझ लग रही है आपको? कई आ जाते हैं बकवास करने, यहाँ पे खराब करने लोगों को, हमें समझ नहीं, तो तुम्हारी समझ बंद है, तुम्हें कहाँ से लगेगी? क्या बातें करता है पास्टर शमून, क्या बातें बताता है, क्या कलाम बताता है? हाँ ये दुल्हन के लिए है, दुल्हन को समझ लगती है। जिनको समझ लगती है वो यहां बैठे हुए हैं। हालेलुया, आमीन। तो बस थोड़ी सी इजाजत दे देना, थोड़ी सी दे दे। कभी कभी पार्टी वार्टी होती है ना, शादी वादी, तो वहां थोड़ा डांस वेंस करना होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक तो भाई थे, बड़ी पुरानी बात है, तो वो उनके घर में मैं जाता था विजिट करने, तो वो बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर ली, खुदा के साथ भी चल रहे हैं। फिर एक शादी पर मुलाकात हुई मेरी, एक शादी पर मुलाकात हुई, वो भाई जो बपतिस्मा लिया हुआ है, वहाँ पे शादी पे गाना लगा, वहाँ डांस कर रहे हैं। और मैंने कहा ये क्या हो भाई, ये क्या हो रहा है? हम बस पानी सब थोड़ा है, कदी कदी दे हो जाना चाहिए, खुशी भी करनी चाहिए, हाँ खुशी करनी चाहिए।
आप खुशी देख लें, मैंने हमारे लोगों की खुशी में हमेशा गम ही देखा है। शादी पे लड़ाई होती देखी है, शराबी देखे हैं, बोतलें टूटती देखी हैं, सर फटते देखे हैं, मोबाइल लूटते देखे हैं, इज्जतें लूटती देखी हैं। आप क्या बात करते हो, खुशी नहीं है ये, शैतानी है। हालेलुया। अच्छा उधर तुम्हें डांस करना है, चर्च में तुम्हारा मुंह नारों के लिए भी नहीं खुलता। हालेलुया। यहाँ हाथ बने हुए हैं तो थोड़ा सा मौका दे देना खुदावन, मैं पीछे तो चलना चाहता हूँ। अच्छा मौका क्या, देखो कैसा सॉलिड रीजन है। आज भी बड़े बड़े सॉलिड रीजन पेश करते हैं। मुझे अच्छी लगी भाई की बात, कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा जुमे को इबादत पे क्यों नहीं आए, कह रहा वो थोड़ा मसला था बच्चों बच्चों का ये वो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं फादी साहब बात है, मेरी गलती है। क्या बात है, ऐसी बात, अगर कोई ऐसी बात में मुझे टोकता है मुझे अच्छा लगता है। अपनी गलती मानना ही हमारी बेहतरी है। खुदावंद कैसा सॉलिड रीजन है, खुदावंद मुझे मौका थोड़ा सा दे दे ताकि मैं जाके अपने बाप को दफन कर लूं। पढ़ लेना बाइबल में, जनाजे में तो चला जाऊं। अब सुन ले, मुझे बताएं ये सुनेगा वो किसको चकमा देता है, शर्म नहीं आती। एक मैं अपना ख्याल बयान कर रहा हूं, समझ नहीं लग रही तुझे, मुझे बताएगा बाप मरा है जिंदा। अच्छा कई दस दस दफा ड्यूटी पे अपने बाप दादा मार लेते हैं। अच्छा जब छुट्टी करके जाएंगे क्या हुआ, तब वो दादा मर गया। कोई नानी मार लेता है, कोई दादा मार लेता है, कोई दादी मार लेता है। कई दफा अपने माँ बाप मरे होते हैं ना, वो कहते ना मरिया भी नहीं जीन देना, सुकून से उनकी रूह को आराम नहीं दिलाना। कैसे चिटर लोग हैं, झूठ है ना सर। अच्छा पाँच एड्डे शार देने, ओ मरिया ही है ना यार, वो तो दस दफा तो नहीं ना मरिया, मरा तो एक दफा ही है। तो खुदावन खुदावन यीशु मसीह ने कहा सुन ले, यीशु मसीह ने कहा जो अल पर अपना हाथ रख के पीछे देखता है, कमांड, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, जो चर्च में आके पीछे देखता है, जो अंजील को पकड़ के पीछे देखता है, जो बपतिस्मा लेकर पीछे देखता है, वो मेरे लायक नहीं। उसको लायक बच्चे चाहिए। उसको लायक चर्च चाहिए, नालायक नहीं चाहिए। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। यार लोग चर्च के लिए छुट्टी नहीं लेते, कुछ सतवें महल्ले को दूर दा मर जाए उधर ही छुट्टी ले लेते। खुदा का खौफ खाओ, आप कौन सी दुनिया में रहते हो। हालेलुया। उसने हमें लाइक बनाया, लाइक। मुझे बताएं, हमारी दुनिया में कोई पावर कोई कीमत नहीं थी, हम किसी चीज के लाइक नहीं थे, हमारा कोई शजरा। मैं गारंटी से कहता हूं, ये भाई ने कल सवाल मुझसे पूछा है, हमारी पुश्तें कहां से शुरू होती हैं, वो किसी को नहीं पता। दादे पर दादे के बाद तो हमें अपनी नस्ल का नहीं पता, हमारी औकात क्या है। ज्यादा ज्यादा बाप का पता है, ये नाम है, दादे का पता है, पर दादे तक चले जाओगे जाके ढूंढ के लाओ कहां से आए हो। नो सर, कोई पता नहीं है, मगर खुदावन यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीद कर इस लायक कर दिया है कि हम दुनिया में नायाब हो गए हैं, यूनिक हो गए हैं, प्रेशियस हो गए हैं। आपको पता है जब शादी हो जाती है ना एक औरत की मर्द के साथ, तो फिर वो अपने शोर का नाम आगे चलाती है। हालेलुया। हमें अब हमारा निशबनामा यीशु मसीह है।
हम उसके रूह से पैदा हुए हैं, हम उसके खून से पैदा हुए हैं, हम उसके कलाम से पैदा हुए हैं, और उसने हमें इस लायक किया है कि हम उसकी वर्शिप करें, हम उसकी स्ताइश करें। उसके चर्च में हालेलुया होना चाहिए, उसके चर्च में आमीन होना चाहिए, उसके चर्च में प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए, उसके चर्च में तालियां होनी चाहिए, उसके चर्च में नारे होने चाहिए। उसने हमें इस लायक बना दिया है, और गलत चीज वो चुनता नहीं है। मुझे बताओ, खुदा को बताओगे तूने मुझ पे भरोसा करके गलत किया है? नहीं, खुदा गलत बंदे पे भरोसा करता ही नहीं है। तुम 10 साल भी यहाँ पे धक्के खाते रहो, भरोसा नहीं करेगा। तुम 50 साल भी यहाँ घुटने टेकते रहो, भरोसा नहीं करेगा। तुम जितनी मर्जी दहेज के चंदे देते रहो, वो भरोसा नहीं करे, क्योंकि उसको पता है, और जिस पर वो भरोसा करता है वो इस लायक होता है। अब मैं आपको कहता हूं, अगर वो हमें मैसेज में लेकर आया है, आमीन, अगर वो हमें मैसेज में लेकर आया है, अगर उसने हमारा ज़हन खोला है, अगर उसने हमें नबी के वसीला से सच्चाई का पैगाम दिया है, अगर उसने आखिरी वक्त का मैसेज हमें दिया है, तो फिर आप लोग इस काबिल हैं। हम लोग, मुझे बताएं, खुदा ऐसे भरोसा कर सकते हैं? जो लायक होता है उसी पर भरोसा करता है। वो कहते हैं ना, मेकअप छोड़ो, किसको बोलेगा? जो लायक होगा, जो नालायक है उसको बोलेगा करता रहे। और वो क्या करेगा? वो बहन 2-4 महीने, 6 महीने, 6 साल आएगी, भाग जाएगी। भाई आएगा 6 महीने, 4 साल, समझ ही नहीं लगी मुझे। और तेरी 10 नस्लें भी आती नहीं समझ नहीं लगेगी, क्योंकि एबल लोग वो बनाता है, लायक लोगों का वो बुलाता है। यहाँ पर लायक लोगों के बैठने की जगह है। मैसेज के अंदर उसने अपनी दुल्हन को बुलाया, हर किसी को उसने नहीं बुलाया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप पर ये रेवलेशन खुला है, तो हम एबल हैं, हम लाइक लोग हैं। और याद रखें, चर्च में आके मुजाहिरा करें कि तूने गलत बंदे पर हाथ नहीं रखा, तूने गलत बंदे को इस चर्च में नहीं लाया, तू ठीक बेटे बेटी को लाया है। मैं तेरे नारे लगाऊंगी, मैं तेरे गीत गाऊंगी, मैं तेरे नारे लगाऊंगा, मैं तेरे गीत गाऊंगा। हालेलुया। और जब भी तू कलाम करेगा, मैं उस पर आमीन कहूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते, अपने सरों को झुकाते हैं।